हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेसा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में, यहाँ पे जो है मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज को निकाला गया और जानेंगे इसको डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप के देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहां पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो रेगुलरली देखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये नोटिफिकेशन सेसा इंस्टीट्यूट हिमालय बायोसोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ से आया। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रोजेक्ट वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम प्रोजेक्ट के टाइटल की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल फॉर्मुलेशन अप्रोचेज फॉर इंप्रूविंग द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली फाइटोकेमिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है और यहाँ पे जो है आपका जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स है। साथ ही अगर हम बात करें स्टाइपेंड की तो यहाँ पे आपको 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन में आपका एम फार्मा, एमएस फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेशन, एनिमल हैंडलिंग, पेप्टाइड कंजुगेट विद गेट और जी पैड जो है क्वालिफाई आपका होना चाहिए। और अगर हम बात करें टेन्योर की तो टेन्योर जो है वो आपका 16 दिसंबर 2022 तक रहेगा और यहाँ पे डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 18 नवंबर, टाइम 10 AM, वेन्यू CSIR HBT पालमपुर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे हैं, साथ ही पोजीशन मेंशन कर रखी है और जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का वो भी क्लियरली मेंशन कर रखा है और जो डेट है और टाइम है इंटरव्यू का वो भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी लाइक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा बहुत सारी पोजीशन दे रखी हैं, तो आप जिस भी लाइक प्रोजेक्ट में आप जो एलिजिबल हैं या आपको लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में जो है फिट बैठता हूं तो आप उस पोजीशन के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सारी पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप डायरेक्टली जा सकते हैं अपना आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, और जो डेट टाइम एंड प्लेस जो है वो ऑलरेडी उन्होंने जो है मेंशन कर रखा है कि किस लाइक प्रोजेक्ट में कौन सी डेट है, किस डेट को आपको जाना है और टाइमिंग क्या है, वेन्यू क्या है, वो सारा इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप जो है एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो है आप कौन लाइक कितने प्रोजेक्ट में एलिजिबल हो रहे हैं, तो उसके बेस पे जो है आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होगा और यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अगर जो लाइक नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा होते हैं तो मे बी वो आपका रिटर्न टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसी दिन जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा, या अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बढ़ जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू सेम डे पे ही होगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके जरूर अप्लाई करें। इसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा कि आप जो CSIR IHBT कैसे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने जो क्लियरली मेंशन कर रखा है कि बाई ट्रेन, बाई बस या बाई एयर जो है आप जो है कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, तो आप इस ये चीज़ें जो है पूरे एक लाइक अच्छे से पढ़ लिख के आप जो है वहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, नो एंटीम इंक्वायरी और कॉरेस्पॉन्डेंट विल बी इंटरटेन। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्ट हो आप इसके लिए अप्लाई करिए। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप लाइक दे रखा है, तो आप इसको ये फॉर्म फिलअप करना है, जैसे पोजिशन कोड क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल कोड अप्लाइड फॉर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारा जो है आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है और ये फॉर्म जो है आपको अभी साथ में ले जाना है। मे बी जो है आपको इंटरव्यू के टाइम पर ये फॉर्म जो है मे बी आपको वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट लाइक सेसा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो है आपको रिसर्च का एक्सपोजर भी अच्छे से मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।